भाई भर भर के मैसेज आने लगे थे एकदम से कि भाई ये क्या हो गया, बिल गेट्स साहब ने महेश बाबू को क्यों फॉलो किया है। और वो कुछ गिने चुने ना, आई थिंक 71-72 लोगों को फॉलो करते हैं, सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, एक्टर, और वो भी साउथ का, कोई भी नहीं। लेकिन अभी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने फॉलो किया है अपने महेश बाबू साहब को। एंड मैं आपको पूरी सीरीज बता देता हूँ क्या क्या इसमें इवेंट हुए हैं एंड फॉलो क्यों किया गया है। देखिए, रिसेंटली महेश बाबू और उनकी वाइफ उनके बच्चे घूमने गए हुए थे न्यूयॉर्क कहीं पर, एंड देयर ही मेट मिस्टर वन एंड ओनली बिल गेट्स। और इससे पहले ना बहुत सारे मीम्स ऐसे बन के आ रहे हैं जहां पर ऐसे लिख रखा है कि बॉलीवुड कैन नॉट अफोर्ड मी, और अपने जो भाई साहब हैं बिल गेट्स वो फॉलो कर रहे हैं महेश बाबू को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर ही। तो बाकी जब वो लोग घूमने जा रहे थे तो उनकी मुलाकात होती है बिल गेट्स से, और महेश बाबू ने बिल गेट्स को देखा। महेश बाबू वहां पे गए, उनकी टीम ने मुलाकात की बिल गेट्स से, और बिल गेट्स को बताया कि ऐसे ऐसे ये बंदा है, फिल्में करता है, इंडिया से आया है, एंड इन्होंने आपको देखा है, ही इज़ योर फैन, महेश बाबू फैन है बिल गेट्स के, द वे ही डज ऑल दिस थिंग्स, उनकी चैरिटीज़ और उनके बिजनेस। और उसके बाद बिल गेट्स से मुलाकात की महेश बाबू की, एंड महेश बाबू आगे उन्होंने अपने ट्विटर पे ये सारा का सारा इंसिडेंट शेयर किया कि ये हुआ वो हुआ एंड एवरीथिंग। एंड लेटर ऑन आज जो सुबह खबर आई वो ये है कि मिस्टर बिल गेट्स ने फॉलो बैक किया है महेश बाबू को, उनकी टीम ने बताया है महेश बाबू के बारे में, एंड महेश बाबू इज़ द वन जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करते हैं, मतलब कि अंत लेवल की चैरिटी। और इनकी मूवीज़ में भी आप देखोगे ना तो ज़्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा कि सोसाइटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, गरीब लोगों की मदद के बारे में। एंड बिल गेट्स को पता चला कि दिस इज़ द गाय फ्रॉम इंडिया, और इनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, एंड ही इज़ डूइंग दिस लेवल ऑफ चैरिटी। एंड बिल गेट्स साहब अपना एक चैरिटी क्लब चलाते हैं जहाँ वो भी बहुत सारे बच्चों की मदद करते हैं, एंड उन्होंने किया फॉलो बैक कि ही जैम। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बोल के कि अब भाई महेश बाबू की ना फिल्म बिल गेट्स प्रोड्यूस करेंगे, बिल गेट्स साहब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, बस उनको महेश बाबू का अंदाज़ पसंद आया, महेश बाबू की स्टाइल और उनकी बात करने का तरीका, एंड ही चैरिटीज़, सो बिल गेट्स ने उनको किया है फॉलो। बाकी मूवी वूवी का कोई सीन नहीं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे महेश बाबू के लिए। हाँ, उनकी अगली जो फिल्म आ रही है उनके लिए राजामौली लगे पड़े हैं, स्पेन गए हुए हैं कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, बस चिपके रहना चैनल के साथ, जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से, और किसको फॉलो करना चाहिए बिल गेट्स साहब को अपनी साउथ इंडस्ट्री के अंदर। बाकी अलविदा।